जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम सर। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप राजस्थान से चल करके आज अम्बेडकर भवन नई दिल्ली में आए हैं, आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है इस पर आप बताइए, आपका परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर सुरेंद्र सिंह व्यास, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, और यहाँ पर मैं क्या नाम है 2016-17 में केंद्रीय शिक्षक परीक्षा भारतीय बोर्ड विधानसभा दिल्ली पंजीकृत यहाँ से किया है। और यहाँ पर मेरा आने का मुख्य उद्देश्य ये है, बाबा साहब का सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बनाई है उसको उनको प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बनाया है कि थम जो है केवल विश्व के अंदर एक ही दम है, जो है कि नदियाँ अपने अपने नाम से जानी जाती हैं लेकिन वो समुद्र के अंदर विलीन हो जाती हैं तो उनका अस्तित्व को खो देती है। ठीक इसी प्रकार से ये भिन्न भिन्न जाति की जो व्यक्ति हैं वो एक बहुत समाज के अंदर बहुत धर्म ग्रहण कर लेते हैं, धर्म को करने के बाद में वो एक ही उसके अंदर हो जाते हैं और उसके अंदर कोई जाति पाती नहीं है। बाबा साहब का सपना था कि सभी मानव एक ही प्रकार से रहें और उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी चीज़ है, पढ़ाई, राजनीति क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समता मूलक वगैरह इन चीज़ों पर उन्होंने सबका समानता का व्यवहार करने के लिए बाबा साहब ने संदेश दिया, तथागत बुद्ध का भी यही संदेश था। तो इन चीज़ों के लिए बाबा साहब ने धर्म दीक्षा दी थी, समय 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने की भी करेंगे जब ही धर्म दीक्षा का वो अच्छा माना जाता है, जब ही माना जाता है कि धर्म दीक्षा ले ली है। तो हमारी धर्म दीक्षा जो है बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बतलाई थी, और बाबा साहब ने 22 बतलाई थी कि मैं ब्रह्मा कृष्ण महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा, मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा, मैं ब्रह्मा कृष्ण मैं गौरी कृपया हिंदू देवताओं को नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है, मैं यह नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, ऐसे प्रचार में दुष्टता का प्रचार समझूंगा, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, ना ही पिंडदान करूंगा, मैं भगवान बुद्ध के विरुद्ध कुछ नहीं बोलूंगा, कोई गलत आचरण नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मणों के द्वारा क्या है ना कोई क्रियाकांड नहीं कराऊंगा, मैं यह मानूंगा कि सभी मानव एक ही जाति के हैं, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा, मैं भगवान बुद्ध के अष्टक मार्ग पर चलने का पालन करूंगा, मैं भगवान बुद्ध की 10 पर्व तक चलने का पालन करूंगा, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कच्ची पक्की शराब और नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा, मैं भगवान बुद्ध के 3 तत्व ज्ञान सिद्ध प्रमाण पर चलने का प्रयत्न करूंगा, मैं ऊंच नीच हिंदू धर्म के मानने वाले हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ, बौद्ध धर्म सधर्म है, मैं मानता हूँ कि आज से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा के अनुसार ही ये जीवन आचरण करूँगा। यह बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ हम धर्म के लिए दी, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ये धर्म दीक्षा दी तो उस समय लाखों उनके अनुयायी थे, उन्होंने धर्म दीक्षा को ग्रहण किया और बाबा साहब ने भारत के अंदर प्रचार प्रसार कर और अन्य देशों से वो समानता उनके ला रखे उनके बराबर में लाने के लिए और धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो पूर्ण प्रयास है, सफल प्रयास है। बाबा साहब ने कहा था यदि मैं जीवित रहा तो मैं 2 वर्ष के अंदर भारत को बौद्ध में कर दूंगा, लेकिन बाबा साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 को होने के कारण बौद्ध धर्म बीच में ही ऐसा हुआ जिसके कारण के हम लोग मतलब भारत के अंदर बौद्ध धर्म तीव्रता से नहीं बढ़ सका, और इसका बाबा साहब के प्रयास को सपने को साकार करने के लिए बौद्ध धर्म जो है दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लोग भाग ले रहे हैं और उनके अनुयायी बन रहे हैं। नमो बुद्धाय जय भीम सर।